चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्ड किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या कोई जान गया है, आपको उसको ब्लॉक करना है, फिर से नया कार्ड लेना है, तो आप उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। आप अपना यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप खोल लेंगे और उसमें अपना जो एम पिन होगा उसको डालेंगे। पिन आपको यहाँ पर डाल लेना है, तो मैं अपना एम पिन डाल लेता हूँ। एम पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड करके आना है, डेबिट कार्ड में जाना है, फिर से यहाँ पे आपको अपना एम पिन डालना रहता है। तो यहाँ पे जब व्यू कार्ड डिटेल दबाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम पिन डालना रहता है। एम पिन डालते ही आपको ये पूरा कार्ड शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कार्ड को ब्लॉक करना है, तो यहाँ पे वर्चुअल कार्ड में जाना है, यहाँ पे परमानेंट ब्लॉक दबाना है, उसके बाद यहाँ पे ओके दबाना है, उसके बाद यहाँ रीजन पूछेगा, तो यहाँ पे कोई भी रीजन या अदर रीजन डाल सकते हैं, रीजन में कुछ भी लिख सकते हैं, नीड न्यू कार्ड, और यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करते ही आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, अभी मैं दिखाता हूँ, ओटीपी आ जाएगा। ये देखिए, ये ओटीपी आपको वहाँ पे डालना है, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। देख सकते हैं, अब मेरा कार्ड है जो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब जैसे मैं डेबिट कार्ड में जाऊंगा, तो यहाँ पे नया कार्ड इशू करने का ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट फॉर न्यू वर्चुअल कार्ड, यहाँ आपको दबाना है। यहाँ पे कार्ड टाइप में दबाकर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ रुपए का कार्ड मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पर कन्फर्म दबाना है, फिर से अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चार्ज, मतलब कोई भी पैसा इसमें नहीं लग रहा है नया कार्ड लेने में, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर से आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए, नया ओटीपी आ गया, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देना है। देख सकते हैं आपको ये नया कार्ड मिल चुका है और ये 30 मिनट के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पुराने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और नया कार्ड ले सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड किसी के साथ शेयर हो गया है, और अपना कार्ड को सेफ रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था कि पुराने कार्ड को कैसे ब्लॉक करके नया कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप इस चैनल में जुड़े रह सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं हमें। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सबका।